अम्बाला पुलिस द्वारा सेक्स रैकेट चलाने वाले लोगों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। पुलिस ने अम्बाला कैंट के न्यू दयालबाग में मां बेटियों द्वारा चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू दयालबाग में न्यू मैरी गोल्ड स्कूल के पास मिलकर बाहर से 8 से 10 युवतियों को बुला अपने मकान में सेक्स रैकेट चलाती हैं। पुलिस मुलाजिम नकली ग्राहक बनकर गए और उनके रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने DSP अनिल कुमार और महेशनगर थाना प्रभारी रामपाल सिंह की अगुवाई में तुरंत रेड की। ज्यादा जानकारी देते हुए DSP अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि न्यू दयालबाग में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाया जा रहा है, जिसके लिए एक टीम गठित की गई और पुलिस मुलाजिमों को ही नकली ग्राहक बनाकर भेजा गया और रैकेट का पर्दाफाश किया गया। देखिए, रात को हमारे SHO महेशनगर को एक सूचना मिली थी, सीक्रेट गुप्त सूचना थी, जो वो दयालबाग चौक पे मौजूद थे रात्रि के समय, के भी जो न्यू दयालबाग मैरी गोल्ड स्कूल के पास ही 3 महिलाएं जो है वो अपने घरों में अनैतिक कार्य करवा रही हैं, बाहर से लड़कियां ला करके और उसमें मुनाफा कमा रही हैं, उनको बला फुसला करके उनको मिसयूज कर रही हैं। तो उस पर रात को रेड किया गया और रेड में वहां से जो पीड़ित 8 लड़कियां जिनको डिफरेंट डिफरेंट जगह से उनको बुलाया गया, तो उनको भी हमने हिरासत में वहां से लिया और 3 महिलाओं के खिलाफ हमने FIR दर्ज की और एक महिला वो अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से निकल गई जो ये कार्य करवाती है, 2 महिलाओं को और एक पुरुष विकास को वहां से गिरफ्तार किया हमने मौका से, और जो 8 पीड़ित लड़कियां हैं उनकी हमने काउंसलिंग की है ताकि वो ये मार्ग छोड़ दें, किसी के बकावे मन आए और ये अच्छा रास्ता नहीं है, इस प्रकार से हम उनकी भी काउंसलिंग की है और करवा रहे हैं। सर, कब से चल रहा था ये धंधा? देखिए, हमें तो इसकी सूचना जो है रात को ही मिली है। अब ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें कौन कौन है, ये कब से चल रहा था और ये क्यों चल रहा था। सर, इसको लेकर और भी कहीं छापेमारी की जाएगी ताकि और भी जगह पर? देखिए, हम अपने लेवल पे तो करते ही रहते हैं, इसके अलावा किसी के भी पास आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, किसी भी अपराधी के बारे में, अपराध के बारे में कोई भी किसी प्रकार की सूचना है वो हमें गुप्त तौर पे मिलकर के बाई पोस्ट दे सकते हैं, तो हम तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे। सर, अम्बाला के नागरिकों को क्या संदेश रहेगा? अम्बाला के नागरिकों को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि वो हमेशा एक मेहनत की और 10 नोहों की नाखूनों की कमाई से जिए, ईमानदारी से, काली कमाई से मत जिए, क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसमें ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, ये रेत की दीवार है।